अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के दर्शन नगर चौकी क्षेत्र में स्थित सरेठी गांव में महिला लक्ष्मी देवी की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई। अयोध्या कोतवाली के सरेठी गांव में महिला लक्ष्मी देवी की 23 सितंबर की रात 2 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य वारदात में जेठ ने ही अपने मित्र के साथ मिलकर अपनी बहू की हत्या कर दी। पुलिस की विवेचना के बाद अयोध्या कोतवाली पुलिस ने मृतका लक्ष्मी के जेठ व उसके मित्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया। वहीं एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने बताया कि मृतका लक्ष्मी से उसका पति काफी परेशान रहता था, जिसकी शिकायत उसने अपने बड़े भाई सोनू से की और बताया कि उसकी पत्नी उसे बहुत परेशान करती है। अपने छोटे भाई की परेशानी को दूर करने के लिए बड़े भाई ने खौफनाक कदम उठा लिया और अपने मित्र भीमा के साथ मिलकर 23 सितंबर की रात उसने अपनी बहू को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के जेठ सोनू और उसके मित्र भीमा को गिरफ्तार कर लिया। यह परिवार घुमंतु परिवार है जो इधर से उधर घुमा करता है और काफी दिन पहले कोतवाली अयोध्या के सरेठी गांव में आकर बस गया था। ये थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र में ये दर्शन नगर के गांव सरेठी की घटना थी। 22-23 सितंबर की रात्र में एक महिला को गोली मार के हत्या किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर हम सब मौके पर पहुंचे थे और इसमें इस घटना में जो दोषी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है टीम एसएचओ कोतवाली अयोध्या चौकी प्रभारी दर्शन नगर क्षेत्राधिकारी अयोध्या के नेतृत्व में लगे हुए थे और इस टीम को सफलता मिली, जिसमें दो अभियुक्त सोनू और भीमा ये गिरफ्तार किए गए हैं और इन दोनों लोगों ने मिल करके जो है महिला की हत्या की थी और इन्होंने अपना जुर्म भी स्वीकार किया है। और इस पूरे घटना के अनावरण और गिरफ्तारी के लिए इनको 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। और घटना का मोटिव यह है कि महिला से ये जो भीमा और ये जो है इनकी छोटे भाई की पत्नी है जो इससे जो है परेशान था, और उधर सोनू ये दोनों आपस में मिल करके हत्या की योजना बनाए और इस टाइप की घटना घटित किए हैं। इसमें इस पूरे घटना की विवेचना की जा रही, साक्ष्य संकलन करके इसमें आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। क्या बरामद हुआ है? हाँ, इसमें ये 22-23 की सितंबर रात की घटना है, करीब 2 बजे रात की घटना है और इसमें अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। ये लोग रहने वाले कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के ही।